टेंडर्स महाराष्ट्र। इससे पहले की वीडियोस में हमने माइक्रोसॉफ्ट एज की सेटिंग देखी थी और मोजिला फायरफॉक्स की सेटिंग देखी थी। आज के वीडियो में हम इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग देखेंगे। इंटरनेट एक्सप्लोरर की सेटिंग के लिए देखो, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर इंटरनेट टाइप करता हूँ। जैसे मैं इंटरनेट पूरा भी नहीं टाइप किया तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इंटरनेट ऑप्शन, और दूसरा यहाँ पर है और तीसरा ये। आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर ये तीन डॉट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए मोर टूल्स, यहाँ पर हमें मिलता है इंटरनेट ऑप्शन। या फिर ये तीन डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेटिंग है, उसके बाद ये डिफॉल्ट ब्राउजर है, और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखो इंटरनेट ऑप्शन है। आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं तो इंटरनेट ऑप्शन के सेम ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे। मैं यहाँ एक सिंगल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले जनरल है, उसके बाद सिक्योरिटी है। सिक्योरिटी में यहाँ पे ट्रस्टेड साइट है, उसके बाद यहाँ पर साइट्स है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने महाराष्ट्र जो टेंडर्स की वेबसाइट है उसे ऐड किया है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे रिमूव कर देता हूँ और दोबारा आपको बतलाता हूँ। ये हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है, यहाँ से कॉपी करना होता है, कंट्रोल सी करेंगे, और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर ऐसा कर देता हूँ। साइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंट्रोल वी करना है और उसके बाद ऐड कर देंगे। यहाँ से देखो मैं इसे कट कर देता हूँ। यहाँ पर कस्टम लेवल से है, इस पे क्लिक करेंगे और जितने भी ये रेडियो बटन है उसको सबको इनेबल कर देना है हमें। जैसे मिसाल के तौर पे देखो इनेबल ऑन, इनेबल ऑन, टोटल इनेबल कर देना है, और आखिर में देखिए ऑटोमेटिक लॉग ऑन। तो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया है। इसी तरीके से थोड़ा सा अगर ऊपर आएंगे हमें यहाँ मिलता है यूज पॉप अप ब्लॉकर, तो इसे इनेबल नहीं करना है बल्कि इसे डिसेबल कर देना है। उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये जो ऑप्शन आता है उसमें यस कर देना है, ओके करके बंद कर देना है। तो इसमें इस तरीके से सेटिंग की जा सकती है। आप यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे और इंटरनेट टाइप करेंगे तो एक दो तीन ऑप्शन आते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तीन डॉट पर मोर टूल्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंटरनेट ऑप्शन आता है, या फिर ये तीन डॉट पर क्लिक करेंगे, सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिफॉल्ट ब्राउजर, इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ भी मिलता है। तो आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं और बाकी की सेटिंग कर सकते हैं।